कक्षा 11 की छात्रा हूँ। आज हम आपको कारक एवं विभक्ति में तृतीय विभक्ति पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति बताई गई थी। आपके कोर्स में तृतीय विभक्ति तक है, अतः आप तृतीय विभक्ति को ध्यान से देखें और जिसमें जो सूत्र है उसको ध्यान से देखें और लिखें। साधकतम करणम पहला सूत्र है तृतीय विभक्ति का। साधकतम करणम, क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक सहायक होता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे स्वहस्तेन वितरति मधुरम मिष्ठानम, वह हाथ से मधुर मिष्ठान को वितरित करता है यानी बांटता है। यहाँ पर सबसे अधिक सहायक कौन है? हस्तेन, हाथ के द्वारा, हाथ के द्वारा मिठाई बांटी जा रही है, इसलिए हस्तेन में तृतीय लगेगी। कहने का मतलब है कि क्रिया के सिद्धि में, कार्य करने की सिद्धि में, कार्य करते समय जो सबसे अधिक सहायक होगा उसमें करण कारक होगा। कर्ति करणों तृतीय, कर्म वाच्य कर्ता और करण में तृतीय विभक्ति होती है। जहाँ भी कर्म वाच्य होगा वहाँ के कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है और करण कारक में भी तृतीय विभक्ति होती है। उदाहरण से समझिए, रामा दंडेन सर्पम हनति, राम डंडे से सांप को मारता है। सांप को मारने का कार्य करने में सबसे सहायक क्या है? डंडा है। अतः डंडा में दंडे ये तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। इसी तरह रामा कलमेन पत्रम लिखति, राम कलम से पत्र लिखता है, तो पत्र तो लिख रहा है लेकिन पत्र लिखने में सबसे सहायक क्या है? कलम है, इसलिए कलम की तृतीय विभक्ति करण कारक संज्ञा होगी और वह कलमेन हो जाएगा। तो इस तरह से आप आगे इसी सूत्र में साधकतम करणम मेन सूत्र है, इसके बाद उसमें अन्य और सूत्र हैं। इस सूत्र में तीसरे नंबर पे आता है सहयुक्ते अपना, सहसाकम साधम सहायतक शब्दों के योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। कहने का मतलब है कि जहाँ पर सह साकम सार्धम ये क्या है? सहायतार्थक है, सहायता के लिए सह माने साथ और सार्धम माने भी साथ, साकम माने भी साथ, इस तरह का प्रयोग होगा वहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। जैसे पिता पुत्रेण सह नगरम गता, पिता पुत्र के साथ नगर जाता है, जो अप्रधान है उसमें लगेगा। तो यहाँ पिता तो प्रधान है, पिता के साथ पुत्र जा रहा है, लेकिन अप्रधान यानी पुत्रेण सह किसके साथ जा रहा है? पुत्र के साथ जा रहा है, इसलिए पुत्र में आपका तृतीय विभक्ति लगेगा पुत्रेण। लेकिन आपको सह साकम समम सार्धम इसका प्रयोग करना पड़ेगा। यदि आप सह साकम नहीं लगाते हैं तो आप तृतीय का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। आगे देखिए, श्यामेण साकम राधा गच्छत, श्याम के साथ राधा आती है। तो जहाँ भी आप सह साकम सार्धम लगाएंगे साथ अर्थ के लिए, वहाँ पर तृतीय विभक्ति होगी। यह नियम जो बताए जा रहे हैं इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे और इसके अनुसार आपको आगे अनुवाद बताया जाएगा, जिसमें यह बहुत ही सहायक होगा। आपकी परीक्षा में यह भी आता है, उदाहरण दिया रहेगा और पूछा जाएगा कि सूत्र के अनुसार यहाँ पर हुआ है, इसलिए आपको सूत्र भी याद करना बहुत ही जरूरी है। इसके आगे दो और है नियम, उसको बताया जा रहा है। कहते वीडियो है रोक, कक्षा 11 की छात्रा तृतीय विभक्ति में ही आगे का सूत्र है, पृथक बिना नाना तृतीय अनस्तरम तरस्याम। कहने का मतलब है कि पृथक बिना नाना, पृथक बिना और नाना शब्दों के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग विकल्प से होता है। विकल्प से कहने का मतलब ये है कि तृतीय विभक्ति तो होगा ही, इसके अतिरिक्त पंचमी और द्वितीय भी हो सकता है। तृतीय अगर नहीं होता है तो पंचमी अथवा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है?
जहाँ पृथक शब्द आए, बिना शब्द आए और नाना तल शब्द आए। जैसे जलेन बिना न जीवति कमल, जल के बिना कमल जीवित नहीं है। तो जलेन में आपका तृतीय विभक्ति हो जाएगा। रामेण बिना या रामात बिना, यहाँ पर रामेण बिना के योग में रामेण में तृतीय विभक्ति लगी है और रामात में पंचमी विभक्ति लगी है। इसी तरह रामम बिना भी आप कर सकते हैं, द्वितीय विभक्ति का भी प्रयोग किया जा सकता है। आगे सूत्र है एनांग विकार, शरीर के जिस अंग के विकार से शरीरधारी का विकार समझा जाए उस अंगवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। किसी भी व्यक्ति के शरीर में किसी अंग में यदि दोष उत्पन्न होता है तो उस अंग में तृतीय विभक्ति लगती है। उदाहरण से समझिए, जैसे अक्षणा काणा, आँख से काना है। कोई व्यक्ति आँख से काना है तो आँख में लगेगा अक्षणा काणा, तृतीय विभक्ति हो गया। उसी प्रकार प्राणाभ्याम बधिरा और हस्ते लुंज, कानों से बह रहा है, दो कान होते हैं इसलिए प्राणाभ्याम तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। कानों से बह रहा है और हस्ते लुंज, हाथ से वह लुंज है, एक हाथ से वह उसका हाथ टूटा हुआ है, उससे वह लूला है। तो इस तरह से जिस अंग में एनांग विकार सूत्र से शरीर के जिस अंग से विकार उत्पन्न होता है उस अंग में तृतीय विभक्ति लगाई जाती है। यह आपका तृतीय विभक्ति प्रथमा द्वितीय और तृतीय विभक्ति के सूत्र सभी बता दिए गए हैं जो आपके कोर्स में हैं। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लें और इसको समझें और याद करें, जिससे कि आगे अनुवाद करते समय आपको कोई परेशानी उठानी न पड़े। धन्यवाद।